नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया और इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने इस बजट का स्वागत किया। तो बजट को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाने वाला बताया। सरकार की 9 सूत्री योजनाएं जिसमें कृषि, उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक और समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर यह बजट केंद्रित है। विकास भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की भावना छिपी है। तो एक तरफ जहां सरकार के मंत्री इस बजट की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष के जो स्वर है वो बहुत तीखे नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने कहा बजट तो निराश करने वाला है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि केंद्रीय बजट पर यह दिशाहीन सरकार का दृष्टिहीन बजट है। बजट जनता को कोई बुनियादी राहत देने के बजाय झुंझुना पकड़ने वाला दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार और आयकर छूट के बारे में जो घोषणाएं की गई हैं, वो आंख में धूल झोंकने वाली जैसी है। इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव है वो नाकाफी है और बढ़ती हुई महंगाई के सामने कुछ भी नहीं है। बजट के विरोध में कांग्रेस ने झुंझुना बजाकर एक अनूठा प्रदर्शन भी किया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आम बजट पर। कुछ मेहमानों को आपके साथ जुड़ेंगे। बजट पेश किए जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं किस तरह से सामने आ रही हैं, क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए, फिर एक सार्थक बजट आपके सामने प्रस्तुत होगी। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, दिस स्कीम विल इंसेंटिवाइज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%, 10 to 12 lakh rupees, 15%, 12 to 15 lakh rupees, 20%, and above 15 lakh rupees, 30%. देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि, उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्यप्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्यप्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है,
सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। जैसे बजट पर प्रतिक्रियाएं आती हैं वो वैसी ही हैं। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। पक्ष विपक्ष के दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, मंजरी जैन जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और केदार सिरोही जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, और शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष से। मंजरी जी आप बताइए आज के बजट के लाभ क्या कहते हैं, क्योंकि आप लाभ गिनाएंगी और फिर हम केदार जी का रुख करेंगे कि आज का बजट के लाभ के बाद हानि क्या है। चलिए शुरुआत लाभ से करते हैं। देखिए आज का जो बजट है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो विकास दर पकड़ी है उसके प्रगति पथ को प्रदर्शित करता है, और आगे भी ये प्रगति जारी रहेगी। तो उस बजट को आज पेश किया गया है भारत की जनता के लिए, इस भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्पना की है विकसित भारत की, उस संकल्पना को पूरा करने वाला ये रोड मैप बनाया गया है। तो मैं समझती हूँ कि चाहे वो, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमारे देश की चार जातियां हैं, चार स्तंभ हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, इनको समृद्ध करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनके विकास के लिए ये बजट बनाया गया है। और मैं ये देखती हूँ, मैंने इस बजट को जितना पढ़ा है तो मुझे ये समझ में आता है कि मध्यम वर्गीय परिवार को भी इसमें बहुत बड़ी राहत मिली है। अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस में भी काफी छूट मिली है। अगर हम 3 लाख 3 से 7 लाख पर 5% और 10 लाख पर, ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपने 25,000 रुपए का अतिरिक्त जनता के लिए किया है। पहले ये 7,50,000 था, अब ये 7,75,000 हो गया है। अच्छी चीज है। और जो 15 लाख तक के हम जो बात करते हैं उसमें 30%, तो उसमें हम देखते हैं जब वो रेशियो निकालते हैं तो उसमें तकरीबन 17,500 रुपए का फायदा मिलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये राहत देने वाली खबर है। दूसरा देखिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है 3 लाख करोड़ का। और सोना सस्ता हुआ तो निश्चित तौर पर महिलाओं को तो खुशी है ही। मोबाइल सस्ते हो गए, चार्जर सस्ते हो गए, ऐसी कई वस्तुओं पर भी टैक्स कम किए गए जिससे कि उनके दाम नीचे आए हैं। किसानों की यदि हम बात करते हैं तो किसानों को सशक्त करने के लिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने की बात कही गई है, निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही है, दलहन तिलहन पर पहले ही MSP को गया है और उनको और अच्छा वो मिल, नैनो DAP और कई सारी सिंचाई को बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो बेतवा और केन परियोजना जो है उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है बजट में। और इसके अलावा युवाओं को सशक्त करने के लिए तकरीबन 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार जोड़ा जाएगा। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा कौशल विकास के जरिए। तो ऐसे करके यदि हम देखते हैं महिला पुरुष और जनजातीय विकास के लिए भी जो है एक अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा यदि हम देखते हैं तो ये जो बजट है सर्वहारा, सर्वस्पर्शी, समावेशी, आप कह रहे हैं सर्व सबके लिए ये बजट आया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए आपने बात तो की पर MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। केदार जी का रुख करते हैं, और कृषि की बात हो रही है, केदार जी MSP पर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल इस बजट को आपने किस तरह से देखा, क्या कहता है आपका आकलन? मेरा आकलन जो BD शर्मा जी का आकलन है वही मेरा आकलन। उन्होंने कहा खाका तैयार किया है, ये खाका ही रहेगा सब हर बार, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं होना है, इसमें उसके जो साज सज्जा होनी है, जो व्यवस्थित बनना वो नहीं है, खाके तरफ की बातें कर रहे हैं। देखिये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का आज का ये बजट है, ये बजट पहले सरकारें एक जेब में पैसा डालती थी और दूसरे से ले लेती थी, इस बार ये दोनों जेब से पैसा निकाल के भागने की कोशिश की है आम जनता और जनता से। ये कह रहा है कि बजट आया है गरीबों के लिए, गरीबों के लिए कहाँ है? अभी आपकी ही रिपोर्ट्स, आपकी मतलब मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स हैं कि जो GST कलेक्शन है वो गरीबों से 2/3 है,
जीएसटी क्लेम्स, वहां भी आपने हम पे डाका डाल दिया। अभी दूसरी रिपोर्ट आपकी आई थी उसमें यह बताया कि जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कम है, इनकम टैक्स ज्यादा है, तो गरीब जो नौकरी करने वाला उससे इनकम टैक्स भी ज्यादा ले रहे हो, कॉरपोरेट में छूट दे रहे हो, इधर जीएसटी में भी आप तो निकालने का दोनों तरफ से, आय वाले से भी निकाल रहे हो आप और खर्चे वाले जेब से भी निकाल रहे हो, डाल इनके इसमें कुछ भी नहीं रहो, तो देश में असमानता है इस बजट से बढ़ने वाली है ये हमको लग रहा है। ये जो बजट है भारतीय जनता पार्टी नाम जिसका लेती है उसका काम कभी नहीं करती है, जैसे भगवान जी का नाम लेती है पर उसमें भी ये थोड़ा बहुत दाया बाया काम कर जाते हैं, इसी तरीके से जनता की बात की जा रही है वो कारपोरेट का भला किया जा रहा है। ये हुआ एक मोटा इनका। बाकी जो खेती की बात आपने मुझसे पूछी है बहुत सीरियस है, मैं अपने इसमें मैं शब्द नहीं जोड़ूंगा, जितने भी भारत के अच्छे किसान नेता नॉन पॉलिटिकल है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरे दलों के हैं, साउथ के हैं, नॉर्थ के, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, तमाम फार्मर लीडर्स के मैं अभी व्यूज पढ़ रहा था क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूं, किसी भी फार्मर लीडर ने अपनी खुशी जाहिर नहीं की है इस बजट को लेके। सब लोगों की इच्छाएं थी, सबकी भावनाएं थी कि जब हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं तो बजट हमारे हिस्से का बढ़ना चाहिए, पर आज जो 3.16% बजट का शेयर हमको दिया है जो पिछले 5 सालों से उन डिक्रीजिंग वे में है, ये निराशा की बात किसानों के लिए रही है। दूसरी बात, किसानों का संघर्ष था एमएसपी गारंटी को लेकर, इनकम गारंटी को लेकर, एमएसपी और इनकम दो चीजों में, तो ना इनकम गारंटी पे कोई बात आई ना अच्छा, एमएसपी की गारंटी पे बात अच्छा, युवाओं युवाओं और स्टार्टअप के लिए लगता है कि सरकार ने आज कुछ किया, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम, मुद्रा लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख किया, एंजल टैक्स खत्म कर दिया। देखिए ये तो कॉपी पेस्ट हमारा किया ही है ना, युद्ध वाला इंटर्नशिप का किया है वो तो, पर उसको जिस तरीके से करना चाहिए था वो पूरा नहीं किया। स्टार्टअप की बातें आई है, आप ही रिपोर्ट बताते हो 70% स्टार्टअप जो है वो बंद हो रहे हैं, वो उनको काम नहीं मिल पा रहा, उनकी जो फाइनेंशियल स्थितियां ठीक नहीं हो पा रही है। तो जब भी हम स्टार्टअप करते, देखिए हमको जब स्टेबलाइज मार्केट जो चाइना का है उससे लड़ना है, हमें अपना एसएमई डेवलप करना है, तो पहले उसके साथ कॉम्पिटेटिव प्राइस पे खड़ा करने के लिए सरकार को बजट देना होगा। जब हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, पैसा दबा के आ रहा है इधर उधर तमाम तरह से आ रहा है, तो आप एक दो लोगों के ऊपर निछावर करने की बजाय आप छोटे लोगों पर, जो ये 6 करोड़ एसएमई खड़ी हुई है भारत में, इनके ऊपर करिए ना, तो ये कॉम्पिटेटिव माहौल में आएंगे तो वो कॉम्पीट करेंगे, और कॉम्पीट करेंगे तो हमारे यहाँ जो जनरेट है वो होगा। सवाल ये है कि गवर्नमेंट नौकरियों की बड़ी प्रॉब्लम है, आज चाइना में 24% जो आगे उसमें शेयर है गवर्नमेंट नौकरी का, यूएसए में 12-18% है, यूके में हमारे यहाँ 2.5% का शेयर है सरकारी, हमारी नौकरियों का सरकारी उसमें, तो अभी हमारे को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम हमारा सरकारी जो सिस्टम है उसको मजबूत नहीं करेंगे, अधिकारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, उनका ठीक है, ओवरऑल आपको पूरी ये बजट पसंद नहीं आया है और आपने वस्तु स्थिति बताई कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मंजरी जी का रुख करते हैं, मंजरी जी मैं बजट के सारे बिंदु पढ़ रहा था, बजट में दो बातें बहुत प्रमुखता के साथ हमने भी देखी जिसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल है, आंध्र प्रदेश शामिल है, बिहार शामिल है। अब ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हमने जो स्पेशल बजट जारी किया हर बार की तरह, ये ऐसा नहीं कि हम पहली बार जारी कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार का थोड़ा पॉलिटिकल जिक्र भी हो रहा है नायडू साहब और नीतीश कुमार जी की वजह से, तो विपक्ष भी उसमें चटकारे ले रहा है कि दबाव वाला बजट है। देखिए विपक्ष को तो आदत है कि ये हमेशा नकारात्मकता से भरी बात करते हैं, जबकि बिहार को वास्तव में जो है वो विकास की गति में जो पीछे रह गया तो हमें सामान पर लाना है। आंध्र प्रदेश अभी तो पीछे नहीं रह गया ना, 15-20 साल से तो आप ही लोग का शासन है, अभी कहाँ पीछे रह गया, अब तो कहिए कि विकास की गति में उसको और आगे बढ़ाना है। देखिए मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से हम विकसित मध्य प्रदेश की तरफ आए, अब स्वर्ण मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, तो बिहार की जो परिस्थितियां थी वो हम सबने देखी, झारखंड और बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिने जाते थे, तो आज वहां पर और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हाँ, सरकार रही है तो हमने डेवलपमेंट किया है, लेकिन आप
उसकी हमेशा गुंजाइश है और उस गुंजाइश को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसे अपने जो अन्य प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो उस गति में शामिल हो जाए, वहां तक वो आ जाए, तो निश्चित तौर पर सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने उस ओर ध्यान दिया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है, इसलिए इस बजट का प्रावधान किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश को भी यहाँ कहीं पीछे नहीं छोड़ा, देखिए पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे पन्ना का डायमंड, तो डायमंड के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, तो हमें वहां पे भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, हमारे पन्ना का विकास होगा, और हमारा जो पर्यटन को यदि बढ़ावा मिल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश आज पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है, औद्योगिक हब के रूप में मध्य प्रदेश को विकसित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, अब युवाओं की भी बात की तो जो नौकरी की बात की, जो पहली जो उनकी जो स्टाइपेंड की बात है, जो सैलरी की बात है, अकाउंट में 15,000 रुपए जो है वो हर माह 3 महीने तक जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमको इस बजट में देखने को मिल रहा है। इतिहास पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से इस देश में प्रधानमंत्री। थोड़ा सा क्रमवार और बिंदुवार भी बात कर लें तो रक्षा में आपने सबसे सर्वाधिक आप खर्चा कर रहेंगे 4,54,773 करोड़, ये करोड़ में राशि। ग्रामीण विकास का है 2,65,808 करोड़, स्वास्थ्य बहुत नीचे दिखाई दे रहा है 89,287 करोड़ 287, कृषि अपेक्षाकृत काफी सही किया है 1,51,851 करोड़। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ ये स्वास्थ्य के लिए इतनी बेरुखी क्यों? रक्षा के लिए अच्छी बात है बिल्कुल, अभी हमें चाइना से हमारे जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर है, रक्षा के लिए बहुत अच्छा किया, वह स्वास्थ्य थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम हो गया, यहाँ भी संख्या बढ़ाई जा सकती थी। देखिए स्वास्थ्य में भी एक बहुत बड़ा जो है फैसला लिया गया है इस बजट में कि जो कैंसर की दवा उनको सस्ती कर दी गई है, आयुष्मान कार्ड तो बने थे वो अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के भी बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे काम हुए हैं, अब मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाए जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा काम है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सरकार ने जो जरूरत है उस हिसाब से बिल्कुल अच्छा बजट का प्रावधान किया है, कहीं हम पीछे नहीं रहे स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, मैं कह रही हूँ कि हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में इस बजट का प्रावधान किया गया है और ये ऐतिहासिक बजट है और विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप बजट। आप देखिए केदार जी से, जी 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 केदार जी से जवाब लेते हैं। केदार जी, ग्रामीण विकास के लिए, कृषि के लिए और शिक्षा के लिए सरकार ने खजाना खोला है, स्वास्थ्य पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य के बारे में मंजरी जी ने काफी कुछ बताया। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ है, कृषि के लिए 1,51,851 करोड़, ये राशि पर्याप्त मानते हैं आप ग्रामीण विकास और कृषि? देखिए दो चीज है, जैसे एक तो मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो चुका है विकास में, और हमारे बाकी देश के राज्य जो है वो अभी प्रॉब्लम में है, आटे दाल की उनको प्रॉब्लम है, तो ये हम तो अन्याय कर रहे हैं हमारे देश के लोगों के साथ, जब हम स्वर्णिम है तो हमारा भी थोड़ा जो पैसा है इधर का हमको उन राज्यों को दे देना चाहिए, तभी तो भाईचारा ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो ये असमानताएं बढ़ती जाएगी। अब हमारे यहाँ तो सब लोग सोने की चम्मच वाली रोटी खाने लग गए, अब बाकी राज्य परेशानी में, पर वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ कुपोषण में सबसे ज्यादा बच्चे मिल रहे हैं, गरीब डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है, किसान आत्महत्या हमारे यहाँ ज्यादा है, बेरोजगारी हमारे यहाँ ज्यादा है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सही है कुर्सी बचाओ बजट निकाला है, उसने पारदर्शिता नहीं रखी, समावेश का सब राज्यों को नहीं रखा, उसी का परिणाम है कि आप देखिए रक्षा में बजट घटा है सर परसेंटेज में, एग्रीकल्चर में बजट, हाँ एग्रीकल्चर में बजट घटा है, ट्रांसपोर्ट में बजट घटा है, आप देख लीजिए। तो हमको जो जो है स्वास्थ्य उसमें भी कोई विशेष बड़ा ओवरऑल नहीं हुई, ओवरऑल एवरेज कह रहे हैं आप इस बजट को ओवरऑल? ये एवरेज नहीं है, फिर क्या है, ये एवरेज से भी कम है। वो कारपोरेट के लिए नहीं, लेकिन जितना कुछ अलग से तो नहीं लिया ना सर, अलग से क्या लिया, टैक्स स्लैब में भी तो रिज्यूम दे दिया ना 25,000 रुपए का, अब 25,000 रुपए अगर आपकी सालाना वेतन बढ़ गया होगा तो वो भी आपके टैक्स में नहीं आएगा,
और अगर आप लोन ले लिए तो फिर तो वो 10 लाख कम से कम चला जाएगा अगर आप होम लोन पर हैं तो एक चीज तो ठीक है सर। यहाँ भारत मतलब मैं भारत वो केवल वो बात कह रहा हूँ जो जो आपको और हमें डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट करेगी डायरेक्ट इफेक्ट। सर उसका परसेंटेज देख लीजिए सर 140 करोड़ में कितने लोन। लेकिन फिर भी संख्या बढ़ रही है, इस बात को तो आप भी मानेंगे ना, भले आपकी भी सरकार होती संख्या बढ़ती है। ठीक है चलिए देखिए जनसंख्या ठीक है, आपका ये कहना दिल और थोड़ा बड़ा कर देते घाटा जो दिखाया गया है जो जितना जी जितनी पटन कालर ठीक है ओवरऑल मंजरी जी आप 20 सेकंड आपके पास, ये बजट सबसे बेहतर क्यों है हालांकि समय बहुत कम है, चलिए 30 सेकंड में बोलिए। देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, आज तक के इतिहास में बहुत ही संतुलित समावेशी और सबको साथ लेकर जो सबका साथ और सबका विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करती आई उसको लेकर ये बजट बनाया गया, अंत्योदय की संकल्पना के साथ अंत्योदय के उत्थान के लिए जो है हमारे ये बजट बनाया गया है। और हमारा जो जो नीतिगत जो फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिए गए आज उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश जो है गरीबों का उत्थान करते हुए विकास की नई केदार जी है। आपकी बारी। देखिए हम लोगों को जितना वही आदम गोंडवी जी की बातें हैं कि मतलब सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे बादा किताबी है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये है उनकी तरफ से तो सुपर है पर वास्तविकता में जनता के लिए निराशाजनक है। हाँ। किसानों के लिए निराशाजनक है, युवाओं के लिए निराशाजनक है, और जिस तरीके से हमारे जेब से पैसे निकाले जा रही है सरकार जो हमको रिटर्न करना था उसका कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं दिख। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं मंजरी जी केदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए और बजट पर अपनी पार्टी की राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आज के बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ये भी हमें बताइए और आज का बजट आपको कैसा लगा। जो रिजिम पर हम बात कर रहे थे स्लैब स्टेटस पर जिसमें 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो पहले 7.5 लाख रुपए था अब 7,75,000 रुपए हो गया है, और भी कई बड़ी घोषणाएं आज इस बजट में की गई। लेकिन मार्केट को यानी शेयर बाजार को पहले तो रास नहीं आया और फिर धीरे धीरे शेयर बाजार अपनी पटरी पर आया। बजट अभी टोटल क्लियर नहीं होगा, अभी अपनी तमाम योजनाओं से सरकार आने वाले समय में किस प्रकार से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाएगी इस पर भी निर्भर करेगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।